चलिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रशियन कटलेट बनाने के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमने चिकन लिया है, ये 250 ग्राम है और इसको ऐसे हमने बड़े बड़े क्यूब्स में ऐसे पीसेस में कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। और हमने लिया है नमक, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 प्याज लिया है और इसको एकदम बारीक से काट लिया है, और 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है हमने। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने कुकर में डाल देना है और सबको चिकन को हमें पका लेना है। तो चिकन को ढककर हम 3 सीटी बजने तक इसको पका लेंगे। 3 सीटी बजने के बाद कुकर खोल के इसमें जो भी पानी है उसको हमें सुखा लेना है, सोक कर लेना है। तो हमें इसे पका लेना है चिकन को। तो देखिए चिकन को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, इसमें जो भी पानी था उसको अच्छे से सुखा लिया है हमने, देखिए। अब हमें इसे श्रेड करना है इस तरीके से, आप फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे श्रेड कर लें। तो देखिए हमारा चिकन जो है श्रेड कर लिया है हमने पूरी तरीके से, और इस तरह से इसको हमने श्रेड करके बाजू में रख देंगे। अब कटलेट बनाने के बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो ये चिकन है जो हमने श्रेड कर लिया था, 2 पोटैटो लिया है आलू, उसको बॉईल करके अच्छे से हमने स्मैश कर लिया है, ये 1.5 कप के करीब है, तो 2 पोटैटो बॉईल करके स्मैश कर लेना है। 1/2 कप ग्रीन पीस लिया है हमने और इसको बॉईल कर लिया है, पका हुआ है ये, और 1/2 कप कैरेट लिया है, कैरेट को हमने अच्छी तरीके से इस तरह से श्रेड कर लिया है, घिस लिया है। और हमें चाहिए ब्रेड, 2 ब्रेड लेकर इसका पाउडर बना लेना है इस तरह से। तो अब हम पहले एक बड़ा सा बोल लेंगे, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने बताए थे अब वो डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स हमने पूरा नहीं डाला, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे, मिक्स करने के बाद हमें ज़रूरत लगेगी तो हम डाल देंगे। तो अच्छे से हाथों से हमने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स कर लेना है। ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत हमें लगी तो हमने बाकी का भी ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिया है और उसे भी अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। तो देखिए हमारा कबाब मिक्सचर तैयार है। अब हाथ में से थोड़ा ऑयल ग्रीस कर ले और आपको जितना चाहिए उतना मिक्सचर हाथ में लेके इसको एक कबाब का शेप दे दे। हम इसको ओवल शेप दे रहे हैं, अगर आपको ओवल शेप नहीं पसंद है तो आप कोई भी आप इसको शेप दे दे। तो बस हमारा कबाब तैयार है। इस तरह से बाकी के कबाब भी हम बना लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे कबाब सारे तैयार हैं, फ्राई होने के लिए रेडी है। तो चलिए हम इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे लेना है। अंडों को तोड़कर अच्छे से फेंट लेना है और हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, ब्रेड क्रम्स जितना आपको चाहिए उतना आप ले लें। तो चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने डीप फ्राई करने जितना ऑयल एक पैन में डाल दिया था और उसको गर्म कर लिया है, मीडियम आंच पर रखकर हमें इसे गर्म कर लेना है। और कबाब को पहले हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे, बढ़िया तरीके से कोट कीजिए। उसके बाद हम उसको एग में डिप कर लेंगे और तेल में डाल देंगे, ध्यान से डालें, इसी तरह सारे कबाबों को कोट करके डाल दें। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। 3 मिनट करीब हमने इसको एक साइड फ्राई कर लिया, दोनों साइड को हमें ऐसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमारा कबाब जो है गोल्डन रेड कलर हो गया है, एकदम फ्राई हो गया है, तैयार है, बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। तो बस अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे, और बाकी के कबाब भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। हमारा रशियन कटलेट तैयार है, बहुत ही आसान है ना, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मस्त है। तो आप सब ट्राई करें और हमें बताइए आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।